हेलो एवरीवन, दिस इज अयमन। तो आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट एंड दैट इज अ हेडफोन। ऑफ कोर्स आपने टाइटल में देख लिया होगा, पिन खत्म है ना। व्हाट इज दिस? इज दिस फॉर प्रोटेक्शन? अच्छा, लाइक मोशन ना हो क्योंकि बॉक्स बड़ा है लेकिन अंदर का ये छोटा है। इस पे एक कुछ आप स्कैन कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। अब मैंने सोचा इसे ऑर्डर करके एक बार देखते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं शुड यू चूज दिस वन एंड क्या ये वर्थ इट है वैल्यू फॉर मनी। क्योंकि मैंने बहुत सारे हेडफोन यूज किए हुए हैं तो सेम प्राइस रेंज में, तो हमें सेम प्राइस रेंज में मुझे आइडिया लग जाएगा कि इज इट वर्थ इट या फिर मुझे एक ब्रांडेड लेना चाहिए लाइक JBL या फिर सोनी वगैरह का। तो लेट्स ओपन दिस एंड वैसे तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, मतलब काफी बढ़िया से इन्होंने पैकेजिंग की। सो फार सो गुड। और बाकी आप इसमें देख सकते हैं, आपको थोड़े शॉर्ट्स दिखा देता हूँ। पीट्रोन की जो बॉक्स है, बॉक्स पे सारी ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। हाई फाई वायरलेस स्टीरियो हेडफोन। ऑर्डर करने का सबसे बड़ा मोटिव था मेरा वो ये था कि बैटरी कैपेसिटी इसकी थोड़ी अच्छी है एंड जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा अच्छा है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है। मैं इसे देखूंगा और प्रॉपरली रिव्यू करूंगा। इसमें आ जाता है ब्लूटूथ 5 जो कि लेटेस्ट है, उसमें लेटेंसी कम होती है और 10 मीटर से ज्यादा तो होता नहीं है। और म्यूजिक प्ले टाइम जो उन्होंने क्लेम किया है वो है 20 आवर्स। बाकी इसमें ऑक्स सपोर्ट भी आता है जो कि एज यूजुअली और भी ब्लूटूथ हेडफोन में आते हैं। इसे खोलते हैं फर्दर एंड अब इसे हम रिमूव करते हैं एंड लेट अस सी हाउ इज इट रियली। फील के हिसाब से देखा जाए तो मतलब अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है एंड फर्स्ट इम्प्रेशन मतलब अच्छा है। पैसे के हिसाब से देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। ये आउटर साइड मेटल है जो काफी शानदार दिखता है, जब पहनेंगे तो अच्छा दिखता है। और ये ओवर द ईयर हेडफोन है तो देखते हैं ये प्रॉपरली कवर करता है कि नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन इज कि बहुत ही बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ कवरिंग द एयर, लाइक ये आपका पूरा अंदर हो जाता है, ओवर द एयर जिसे बोलते हैं, प्रॉपरली कवर करता है आपको। और नॉइस कैंसिलेशन के मामले में भी मैं आपको फर्दर रिव्यू दूंगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था अराउंड 1 वीक का, मैं 1 वीक पहले इसे ऑर्डर किया था। अनबॉक्सिंग मैंने आपको दिखाई दिया है, इसका एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड कैसा है। तो अब मैं एक हफ्ते बाद, अराउंड 1 हफ्ता या 10 दिन हो गया होगा, तो उतने दिनों बाद मैं आपको इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपरली एक्सपीरियंस करना था, फिर आप लोगों को बताना था किस तरीके का ये हेडफोन है, किस तरीके की इसकी बैटरी लाइफ है, आवाज़ कैसी है और पूरी डिटेल वगैरह। बिल्ड क्वालिटी वैसे इसकी काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक की है लेकिन काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार है, काफ़ी स्टर्डी है और ऐसा मतलब चीप नहीं लगता क्योंकि इसकी जो प्लास्टिक के ऊपर जो कोटिंग नहीं कहेंगे जो इसका फिनिश है वो काफ़ी अच्छी, जो इसकी फिनिश है वो काफ़ी अच्छी है। और साइड में ये मेटल फिनिश है, एक्चुअली मेटल है और मेटल के ऊपर एक रिजेस बनी हुई है जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी। और यहाँ पे पीट्रोन का आप देख सकते हैं, वैसे मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, PT कैपिटल है, बाकी बहरहाल काफ़ी अच्छा है ये इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी इस हेडफोन की वो ये है कि इसके अंदर ब्लूटूथ 5 है जो कि लेटेस्ट जनरेशन का है और जो काफ़ी फास्ट कनेक्ट करता है। इवन यू डोंट हैव टू गो इनटू द सेटिंग, आपको सेटिंग में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बस ब्लूटूथ ऑन करें और ये ऑटोमेटिकली फटाफट कनेक्ट कर देता है। इट फील्स लाइक एप्पल का एयरपॉड। इसमें एक इशू है जो मेरे हेडफोन में ही सिर्फ है क्योंकि और रिव्यूज मैंने देखा ऐसा कुछ है नहीं, शायद ये वाला डिफेक्ट हो। और आपका ना इसमें डिफेक्ट ये है कि राइट साइड में आवाज़ ज़्यादा आती है कंपेयर टू लेफ्ट साइड में, तो ये प्रॉब्लम बहुत ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे सुन रहे हैं तो दिक्कत होगी, आपके सर में दर्द भी होने लगेगा। लेकिन इसका मैंने सॉल्यूशन ऑफ कोर्स आपके मोबाइल में, अगर आपके फ़ोन में है एक्सेसिबिलिटी से जाके आप जो है बैलेंस मतलब चेंज कर सकते हैं। और जब मैं लैपटॉप में अपने कनेक्ट करता हूँ तो इसमें भी मैं चेंज कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा बैलेंस कर लेता हूँ तो ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं
और साइड में आपको बेसिक चीज़ें मिल जाती है, ऑक्स केबल भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और इसका पुराना वाला यूएसबी मतलब 5 वॉट चार्जर है। इसका बैटरी बैकअप जैसा उन्होंने बताया है वैसा ही है, मतलब बैटरी बैकअप बहुत ही शानदार है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इन्होंने इसमें जो बैटरी लगाई है वो 1000 एम्पेयर की मिली एम्पेयर की बैटरी लगाई है, जो काफ़ी शानदार है इस सेंस में कि वो बैकअप काफ़ी अच्छा देता है, काफ़ी मतलब बढ़िया है बैटरी भी बैकअप इसका। क्योंकि मैं जब यूज़ करता हूँ, एक बार चार्ज लगा देता हूँ तो लाइक 2-3 दिन तो चल जाता है ये आराम से। और इसका जो बेस है वो काफ़ी अच्छा है, इनिशियली आपको थोड़ा बर्न इन करना पड़ता है क्योंकि इनिशियली आपको बहुत शार्प आवाज़ आती है, थोड़ी इरीटेटिंग होती है, तो आप इसे बर्न इन कर सकते हैं फ्यू आवर्स या फिर यू नो लाउड म्यूज़िक पे जिसमें हर तरह के टोन है उसको लगा के छोड़ सकते हैं, उसके बाद ये बढ़िया सेट हो जाता है। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी है, आई वॉन्ट इट फॉर 1000 रुपीज़ एंड आई थिंक इट्स वर्थ दैट मनी। कप्स हैं वो सही हैं, ठीक है, कंफर्टेबल हैं, लाइक अगर 1-2 आवर यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, बट एक्सटेंडेड यूज़ के लिए ये उतने अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म अगर आप लगातार यूज़ कर रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आपको बाहर निकाल के थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है। आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये शॉर्टलिस्ट करना चाहिए या डायरेक्टली आप जाके ख़रीद सकते हैं या फिर जस्ट अवॉइड इट। आई वुड से इसे शॉर्टलिस्ट करें, यानी कि आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू गो अहेड एंड बाय इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कैन शॉर्टलिस्ट दिस। देर आर वेरियस अदर यू नो माइक्रोफोन्स हेडफोन्स जो इसी प्राइस रेंज में आते हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं और आपको जो सही लगे वो ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर बीइंग एंड वॉचिंग अप टू दिस, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर विद द फ्रेंड्स हु वांट टू बाय ए हेडफोन। ओके, मा सलाम, बाय बाय।